की शाम का क्या करें? मुझे नहीं लगता चिंटू को ले जा पाएंगे। बोलो ना। तुम इधर आओ। क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहा हूँ? संडे के दोपहर अच्छे काम में लगा रहा हूँ। चिंटू है ना बाहर। देखो, दिन को बहाने बनाती और रात को भी जल्दी सो जाती हो। रात को मैं थक जाती हूँ ना। रात को मैं थक जाती हूँ ना। जा देखो बाहर कौन आया है। कुछ नहीं, दो तीन घंटे बजा कर खुद चला जाएगा। हाथी पहने बेल बॉटम हथनी पहने मैक्सी निकल पड़े वे खुली सड़क पर लगे ढूंढने टैक्सी। चिंटू क्या कर दोस्तों, चलो अपने कमरे में चलो। नहीं नहीं सो के, बच्चा है, बच्चों के साथ मुझे खेलना अच्छा लगता है। लेकिन भाई साहब आप कौन हो? विश्वास तलेगा होकर जी। माई सेल्फ प्रभाकर पंडित। आइए। थैंक यू। बैठे। हाँ तो बताइए, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी ये जान के अच्छा लगा कि आप मदद में विश्वास रखते हैं। हाँ लेकिन कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी मैं? जी मदद तो हम दोनों एक दूसरे की करेंगे। मैं आपकी जिंदगी को महफूज करके आपके परिवार की मदद करूंगा और इसमें आप मेरी मदद करेंगे। नमस्ते। पानी मिल सकता है भाभी जी? थैंक यू। भाभी जी अच्छी हैं। सर मैं आपके सिर्फ 3 मिनट 35 सेकंड लूंगा और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और आप अपने परिवार को देंगे एक अनमोल तोहफा। देखिए आप कुछ बेचने के लिए तो नहीं आए? बिल्कुल सर ऐसी बात नहीं है, हमें आराम करना। सर जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज रिस्की। अभी आप जिंदा है, कल नहीं भी हो सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं भाभी जी ये सच्चाई है। वैसे आप हो कौन? सर वही तो बता रहा हूँ, सुनिए ना प्लीज। मैं ये नहीं कहता कि हर वो आदमी जो घर से निकलकर बाहर जाता है उसके वापस आने की गारंटी नहीं होती, पर लेकिन हादसे बताकर तो नहीं होते हैं सर। इन शॉर्ट लाइफ इज रिस्की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन बातों को लेकर हम नजरअंदाज करके जीते हैं वही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, यानी सेफ्टी, सुरक्षा। लेकिन लोग सर इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बाद में रोते हैं। जैसे सेफ्टी प्रोडक्ट हमारे देश में सबसे कम बिकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है ये प्रोडक्ट उन्हें जिंदगी भर इनकी जरूरत पड़े। जैसे एग्जांपल, सर रिलैक्स रिलैक्स, नो वारी नो वारी। सर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था ना आपके पास? आप थोड़े पागल हैं, बहुत हो गया मजाक, चलिए आप। नहीं नहीं मैं इसका सेल्समैन नहीं हूं सर। आप प्लीज यहां से चलिए। मैं यहां आपसे कुछ लेने नहीं, आपको कुछ देने आया हूं। बस अब लास्ट लाइन, एंड यू विल कम टू नो द वैल्यू ऑफ लाइफ। हाथ से बताकर नहीं होते सर, एक्सीडेंट्स आर नेवर प्रेडिक्टेड। हाँ तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है सर, लेकिन एक बात का भरोसा है, लाइफ इंश्योरेंस का। अच्छा तो आप इंश्योरेंस एजेंट हो? जी हाँ सर। देखिए हमें पॉलिसी वॉलिसी नहीं। सर मैं आपको एक पॉलिसी दूंगा और आपको आपके परिवार को एक अनमोल तोहफा देने में आपकी मदद करूंगा और आप ये पॉलिसी लेकर मेरा टारगेट पूरा करने में मेरी मदद करेंगे, है ना भाभी जी?
आप चलिए, आप उठिए, आप उठिए, चलिए, आप चलिए सर, हमें कोई पॉलिसी नहीं लेनी, आप चलिए। भाभी जी, इनकी कोई पॉलिसी है? पॉलिसी नहीं है और लेनी भी नहीं है, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं ना, चलिए। जाने वाला चला जाता है, बाद में सब घर वालों को भुगतना पड़ता है। भाभी जी समझाइए ना, तू जरा का बस, आप चलिए। एक मिनट सर, जा रहा हूँ, बैग तो ले लूँ? हाँ बैग ले लीजिए। मैं क्या बोल रहा था, अरे थैंक यू, थैंक यू, चलिए चलिए। कौन है? हेलो, कौन है? पता नहीं, कोई नहीं लगता, बेल बजा कर। चलो चिंटू, रुको। तुमने इससे पहले बेल बजाई थी क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो नीचे गया तो बारिश शुरू हो गई, तो मुझे याद आया मेरा छाता यहाँ रह गया है। क्यों, इससे पहले भी किसी ने बेल बजाई थी क्या? हाँ और बाहर देखा तो कोई नहीं था। देखा सर, देखा, मैं पहले से ही यही कह रहा था सर, लाइफ इज रिस्की, एक्सीडेंट आर नेवर प्रेडिक्टेड। जैसे कि हादसा, कोई आदमी बाहर बेल बजाता है, फिर आपके घर में घुस के आपका अंदाजा लेता है, और फिर घर में घुस के चोरी, डकैती, खून। सर क्या इंश्योरेंस होने चाहिए, हर कीमत पे इंश्योरेंस है। चलिए सर, चलिए प्लीज, चलिए सर, मैं तो जाता हूँ, पर उसका क्या जो बाहर है? क्यों, कौन है बाहर? अब मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी उसे बुलाया, इसीलिए कहता हूँ पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि मरने के कई बहाने होते हैं। देखिए सर, देखिए, अरे सर आप डर क्यों गए? नहीं नहीं, मैं तो जस्ट एग्जांपल, नहीं नहीं मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ सर, मैं तो ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको दिखा रहा था, और मैं कह रहा था ये सब मौत के बहाने ही तो हैं, मेरे पास बहुत सारी चीजें सर। जहर, रस्सी, चाकू, ये सब मौत के बहाने हैं सर। ऐसा मत समझिए घर में आप सुरक्षित हैं, मौत यहाँ भी आ सकती है। एक आदमी संडे की दोपहर को आपके घर में आता है और आपको पॉलिसी लेने के लिए समझाता है, क्या पता आप रोबर हो, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ से बताकर नहीं होते ना। अरे आप तो वाकई सीरियस हो गए, I'm sorry. और ये सामान, इससे बिल्कुल मत डरिए, कुछ नहीं है ये। ये देखिए, ये चाकू है। हेलो, अरे आप तो डर गए, नहीं कुछ नहीं, ये तो स्प्रिंग वाला चाकू है, ये देखिए, ये देखिए, ये तो सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने के लिए था कि मौत एक पल में कितने करीब आ सकती है। सर इस दुनिया में किसी बात का भरोसा नहीं, लेकिन एक बात का भरोसा है सर, लाइफ इंश्योरेंस का। इसलिए कहता हूं पॉलिसी ले लो ना सर। आप प्लीज चाहिए यहां से, प्लीज गेट आउट, प्लीज सर। नहीं करनी मुझे भविष्य सुरक्षित, नहीं चाहिए मुझे पॉलिसी, प्लीज। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें पॉलिसी? लाइफ मेरी सिक्योर होगी तुम्हारी? कैसे जाते हो ऑफिस, ट्रेन से? ट्रेन में भीड़ देखी आपने? दो दो उंगलियों पर लटक के जाता है आदमी, ये ऐसे हाथ का होता है, पैर का होता है, कुछ पता नहीं होता है, एक स्टेशन से निकलता है आदमी, दूसरे स्टेशन बीच में ही गिर जाता है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हाथ से बताकर नहीं होता है? हाँ मालूम है, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाइए ऐसे, प्लीज। अरे मैं आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने पर तुला हुआ हूँ, और आप में इतनी इंसानियत नहीं है कि आप मुझे पानी के लिए भी पूछे? मेरा गला बैठ चुका है आपको समझाते समझाते, कैसे आदमी है आप? नहीं करनी है मुझे भविष्य सुरक्षित, अब अगर पॉलिसी लूंगा अभी तो तुम जैसे झगड़ालू से कभी नहीं। मैं झगड़ालू नहीं हूँ। झगड़ालू भी और इरिटेटिंग भी, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ सर। सर मुझसे पॉलिसी ले लीजिए सर, सर मेरी नौकरी बच जाएगी सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। नाटक प्लीज सर, दिमाग खराब कर दिया, प्लीज जाओ यहाँ से, भाभी के बारे में सोचिए, जाओ यहाँ से। तो प्लीज अब जाने दीजिए ना, प्लीज पीछे हटो, ऐसे झगड़ालू आदमी को तो ऊपर से नीचे फेंक देना चाहिए। नहीं,
एक्सीडेंट्स आर नेवर प्रेडिक्टेड, लाइफ इज रिस्की। रोहन अब तक आया क्यों नहीं? क्या पता। देखो आ गया रोहन। चौथी कहानी शुरू करें? हाँ। एक मिनट दादी माँ, पानी मिलेगा? नीचे राइट साइड की रूम में मटका है बेटा। नीचे? आंटी, स्टोरी नंबर 4। मैं बोल बोल कर थक गई। तुम सुनकर नहीं थके? ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी।